सातवें वेतन आयोग समिति ने वेतन वृद्धि के लिए गठन किया लेकिन सभी के लिए नहीं। ओडिशा ब्यूरो द्वारा अंतिम बार मार्च 25, 2018 को अद्यतन किया गया। नई दिल्ली भुवनेश्वर। एक समय था जब केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को उकसाया था। एक खबर ने कई कर्मचारियों को निराशाजनक समाचारदाताओं को निराशा दे दी है। ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यह केवल कुछ वर्गों के लिए लागू होगी, जो कि कई अन्य लोगों की उपेक्षा होगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई है। जी बिजनेस ने रिपोर्ट दी है। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कथित तौर पर दोनों सदनों के सिक्योरिटीज के कर्मचारियों के वेतन संरचना और भत्ते में संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। समिति अध्यक्ष राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष को सलाह देते हैं कि वे वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन संबंधी लाभ और अन्य सुविधाओं के अधिकारियों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के ढांचे में वांछनीय माना जाता है। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालयों की पीएम ने महाजन को उद्धृत करते हुए कहा, इससे पहले वित्त मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सातवीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा किसी भी वृद्धि पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में नीरज शेखर द्वारा दिए गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि न्यूनतम वेतन और फिटन कारक में वृद्धि के संबंध में इस समय मोदी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी रिएक्शन राधाकृष्णन के बयान ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गंभीर नतीजे और संघर्ष विराम की धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि निराशा का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की उनकी मांग जबत नहीं की गई है और जल्द ही हलचल का सहारा लेगा। सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 18,000 रुपए से 26,000 रुपए के न्यूनतम वेतन में वृद्धि